हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भारत के सभी सरकारी बैंकों में क्लर्क की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया से जितने भी बैंक हैं, सभी स्टेट्स में सरकारी बैंक है, उसमें वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार है, जहाँ पे आप पाते हैं कि टोटल 4 वैकेंसी आई है और सभी कैटेगरी के लिए लगभग आ रखी है। इसी तरह से यदि आप आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी ये सारे बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें टोटल इतने बैंक हैं, जिसके अंतर्गत देखिए आंध्र प्रदेश में 209 वैकेंसी आई है। इस तरह करके सारे राज्यों में कुछ न कुछ वैकेंसी आई है। तीसरा स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं करीब 14 वैकेंसी आई हुई है। असम में 157 वैकेंसी, 157 वैकेंसी आ रखी है। सारे बैंकों में लगभग हर कैटेगरी के लिए कुछ न कुछ वैकेंसी आई हुई है। उसी तरह से यदि आप बिहार में देखते हैं तो बिहार में टोटल 281 वैकेंसी आई हुई है। चंडीगढ़ में 12 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखते हैं तो 104 वैकेंसी है। वहीं दादर एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव में भी एक वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली में आप देखिए, एचएस दिल्ली में यदि आप देखते हैं तो 295 वैकेंसी आ रखी है। वहीं पर गोवा स्टेट में अगर बात करते हैं तो टोटल 71 वैकेंसी आ रखी है। गुजरात के लिए 304 वैकेंसी आ रखी है। वहीं हरियाणा के लिए जो है करीब 138 वैकेंसी आ रखी है। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो 91 वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं तो 35 वैकेंसी आ रखी है। झारखंड के लिए आप देखिए तो 69 वैकेंसी है। कर्नाटका में 350 वैकेंसी है। केरला में देखते हैं तो 70 वैकेंसी आ रखी है। वहीं लद्दाख में कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि लक्षद्वीप में जो है 5 वैकेंसी आ रखी है। मध्य प्रदेश में 309 वैकेंसी है और महाराष्ट्र में करीब 775 वैकेंसी आ रखी है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में 4 वैकेंसी है। मेघालय में 6 वैकेंसी आ रखी है। मिजोरम में देखते हैं तो वहाँ भी 4 वैकेंसी है। नागालैंड में 4 वैकेंसी आ रखी है। ओडिशा स्टेट की बात करते हैं तो 126 वैकेंसी है टोटल क्लर्क की। वही पुडुचेरी में टोटल वैकेंसी 2 है, जबकि पंजाब स्टेट में टोटल वैकेंसी 407 है। राजस्थान स्टेट में वैकेंसी 129 है। सिक्किम के लिए जो वैकेंसी है 11 है। वहीं तमिलनाडु में जो वैकेंसी आई है 288 है। तेलंगाना में जो वैकेंसी है वो 99 है। मतलब आप देखिए हर स्टेट में, सारे बैंकों में लगभग जितने भी गवर्नमेंट के बैंक है उसमें कुछ ना कुछ वैकेंसी आ रखी है। वहीं त्रिपुरा की बात करते हैं तो 17 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जहाँ पे 1089 वैकेंसी आ रखी है, सारे ही बैंकों में आ रखी है। और वहीं उत्तराखंड के देखते हैं तो 19 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में टोटल वैकेंसी कितनी है, 528। इस तरह से कुल मिला के मोर देन 4000 वैकेंसी क्लर्क की आ रखी है। तो आइए अब देखते हैं कि वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ रखा है। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है आपका आ रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से आ रखा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत कलर की भर्ती की जा रही है और ये 12वीं कलर की भर्ती है। और इसका जो एग्जाम है उसका नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कलर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। ठीक है, जितने भी बैंक है गवर्नमेंट के उसमें बैंक में है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in की। या दूसरी जो एक क्वेरी के लिए कह रहे हैं कि एक हमारी दूसरी वेबसाइट है, उस पर आप जाके क्वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक है। तो आप ये देख सकते हैं टोटल 3, 3, 6, 9, 10, 11 टोटल 11 बैंक है जो इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो एग्जाम जो होगा इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्लर्क की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो कि 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और साथ ही साथ जो है इसका फी पेमेंट करने की भी चार्जेस जो है उसी समय से चल रहा है पेमेंट का। ठीक है, कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम कर रहा है कि अगस्त एग्जाम में, अगस्त में चूंकि एग्जाम दो पार्ट में है, प्रिलिमिनरी और मेंस दो पार्ट में होगा, तो पहले जो एग्जाम होगा अगस्त में होगा। जो अगस्त में बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको फिर सेकेंड उनको बुलाया जाएगा प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए भी, कह रहा है अगस्त में बताया जाएगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा सेप्टेम्बर में और ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा अक्टूबर में। जो बच्चे का सेलेक्ट होंगे उनको 23 अप्रैल तक 2023 में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लर्क की पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया ये देखते हैं तो इसमें कहता है कि पहला तो है वो तो इंडिया का इंडियन नागरिक हो या नेपाली हो, भूटानी हो,
ठीक है, और अगर कोई रिफ्यूजी है तो 1 जनवरी 1962 के पहले का होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज रिलैक्सेशन लागू है, तो इसके अंतर्गत जो है ये एज रूल्स जो भी है वो आपके ऊपर एज कैटेगरी के ऊपर लागू करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएट डिग्री मांगा है। ग्रेजुएशन कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से हो वो क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ ग्रेजुएट डिग्री तक आने के लिए उसके पास जितने भी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हो वो वैलिड होने चाहिए। साथ ही साथ उसे कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट उसके पास जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ वो जिस स्टेट में रह रहा है उस स्टेट की भाषा, उसकी लैंग्वेज उसे लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो दो पार्ट में एग्जामिनेशन डिवाइड है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स होंगे और 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे में आपको करने होंगे। वही जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें फर्दर जो है मेन्स एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा और उनके लिए जो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे, थोड़े टफ होंगे, जिसमें अब जनरल अवेयरनेस जो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस, साथ ही साथ जनरल इंग्लिश रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी होंगे। तो मतलब टोटल जो होंगे आपके 190 क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और जो आपको टाइम इसके लिए दिया जाएगा 160 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट। और ये जो स्टेट्स दे रखा है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका मीडियम क्या होगा उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। यदि आप जैसे सपोज आप असम से हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी और असमीज भाषा का ऑप्शन आएगा। चंडीगढ़ में है तो इंग्लिश हिंदी, मतलब मैक्सिमम जगह पे इंग्लिश हिंदी तो कॉमन है और जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसको भी उन्होंने प्रेफरेंस दिया है उस स्टेट की। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो बच्चे अगर प्री में क्वालिफाई करते हैं तो उनको अपना एडमिट कार्ड रखना है और मेंस एग्जाम को देने जाते समय उनके पास वो कुछ एडमिट कार्ड होना चाहिए। कह रहा है कि यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/4 ठीक है का माइनस मार्किंग भी होगा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पे जाना है और जब वेबसाइट पे आप जब जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ ही साथ सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए और साथ ही साथ एक आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर जो होगा कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए और जो इस आप थंब का इम्प्रेशन ले रहे हो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और जो आप डिक्लेरेशन लिखेंगे लिखेंगे कि आप आई अपना नाम लिखेंगे, डिक्लेयर करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी जा रही है वो सारी की सारी सही है। जो ऑनलाइन पेमेंट फी का पेमेंट होगा ऑनलाइन ही किया जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फी है 175 रुपीज जो है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, जबकि जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 850 रुपीज का पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएंगे, www.ibps.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in की। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्लैश हो रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन अप्लाई, ये है ना कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क्स। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करते हैं इस पर तो एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा, ये खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप यहां से क्लिक हियर पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको खुल के आ जाएगा पेज, जिसमें आपको पहला नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, कॉमन नेम ये सारे भरने हैं, साथ साथ आपको मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है और इसको सबमिट करना है। इसके ऐसा करने से आपका क्या होगा, फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, उसको लेके फर्दर आप भरेंगे, जिसके अंतर्गत आपको फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी उसकी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपका फॉर्म जब भर जाएगा तो उसमें प्रीव्यू आप उसका देखेंगे, उसका जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जैसे फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे आप चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी इस सेक्शन में। और लास्ट जब आपकी सारी चीज़ें आती है तो लास्ट सेक्शन में आपको पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स एडवर्टीजमेंट भी आप यहीं से इसी मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं
और यहाँ से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।